जाने के बाद हमने वस्त्र इत्यादि छोड़ दिया था, हम कपड़ा नहीं पहनते थे। अभी जब भगवान का शिलान्यास हो गया है तब हमने वस्त्र कितने साल से आप कपड़ा नहीं पहनते थे? लगभग 16 साल। मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में एक भव्य रामलला का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में जौनपुर में भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे बीच हैं कुछ महाराज जी, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या है यहाँ का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जौनपुर जनपद में जो होने जा रहा है, श्री राम मंदिर स्थापना उत्सव पर्व पर मनाया जा रहा है। जो भगवान रामचंद्र जी के आराध्य हैं देवाधिदेव महादेव शंकर, तो उनके स्वरूप के 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का पूजन होगा, स्थापना होगी। लगभग प्रतिदिन 17 से 18 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे, उनका अभिषेक होगा और यज्ञशाला बनाई जा रही है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कामना पूर्ति, अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कुंडों का निर्माण हो रहा है। यज्ञ में आहुति डाली दी जाएगी और प्रतिदिन 10,000 लोगों का भंडारा रहेगा। ये आपके मन में विचार कैसे आया कि हमें ये ऐसा कार्य करना चाहिए? ये विचार हमारा 18 वर्ष पुराना है। अच्छा। और हमें लगा नहीं था कि ये 17-18 साल में पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आज से 18 साल पहले हमने संकल्प लिया था कि राम मंदिर दर्शन के बाद कि जब तक भगवान का ये मंदिर बन नहीं जाएगा तब तक हम वहाँ वापस जाएंगे नहीं, और हम तक एक बार खाली रामलला का दर्शन किए हैं। तो वहाँ से आने के बाद हमने वस्त्र इत्यादि छोड़ दिया था, हम कपड़ा नहीं पहनते थे। अभी जब भगवान का शिलान्यास हो गया है तब हमने वस्त्र कितने साल से आप कपड़ा नहीं पहनते थे? लगभग 16-17 साल हो गए। अच्छा। हाँ। जब से ये निर्णय आया कि वहाँ मंदिर बनेगा तब से आप कपड़ा पहने? नहीं, निर्णय आया नहीं, जब वहाँ शिलान्यास हो गया। अच्छा। तब उसके बाद पिछले 2 वर्षों से हम वस्त्र धारण किए। जी जी जी। तो यहाँ पे आपका 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने की विचार है? विचार नहीं है, संकल्प है और वह होगा। और हमारा संकल्प तो 125 करोड़ का नहीं, हमारा संकल्प 1 अरब का है। उसमें से नहीं, 1 अरब पार्थिव शिवलिंग का संकल्प था राम मंदिर बनने के बाद, तो वो बन गया है। पिछले साल हमने दिल्ली में किया था, इस समय यहाँ पर कर रहे हैं, फिर प्रयाग में करेंगे 11 करोड़। तो यह निरंतर करते रहे, तो उसी क्रम में यह 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे 125 करोड़ आप करवा रहे हैं? हाँ, 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम यहाँ पे? इसके अलावा यहाँ पर शिव महापुराण की कथा होगी, साथ ही साथ हमारे जौनपुर जनपद में एक बड़ी कथा कब होगी? ये कथा होगी 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, कथा का समय शाम 4 बजे से है। जी जी। और इस स्थान पर जहाँ पर आप खड़े हैं जौनपुर जिले में, यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है शीतला धाम चौकियाँ, शीतला माता के नाम से वह स्थान है, तो उनके नाम से भी यहाँ पर एक विशेष कुंड का निर्माण किया गया है, जिससे भगवती की कृपा जनपद वासियों पर बनी रहे, क्योंकि बिना माता के जो है पुत्र का कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मुख्य भूमिका में, मुख्य रूप से जो हमारे अत्यंत सबसे करीबी हैं इस कार्यक्रम में, हर प्रकार का जिनका सहयोग है, या एक प्रकार से आप समझिए कि जथा इन्ने तथा उन्ने, जो हम हैं वही वो है और जो वो है वही हम है, तो चौकिया धाम के महंत विनय त्रिपाठी जी जो हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, इनका भी पूरा सहयोग है इस महायज्ञ में। और बाईं तरफ हमारे श्याम जी महाराज, जी, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, इनके मिलते साथ ही सारे कामनाओं की सिद्धियां स्वतः होने लगती है। और इस यज्ञ में इन्होंने जो ब्राह्मणों की दक्षिणा है उसकी जिम्मेदारी ले रखी है कि वो जिम्मेदारी हम पूर्ण करेंगे। जी जी। तो मतलब कल 22 तारीख है, कल ही भगवान का गर्भगृह में प्रवेश होगा, तो कल का मुख्य कार्य क्या होगा? कल का मुख्य कार्य है सद्भावना पुल नवदुर्गा मंदिर विसर्जन घाट से 11,000 माताएं कलश उठाएंगी, और साथ ही साथ हमारे साथ 10,000 हमारे बंधु रहेंगे, लगभग 20-25,000 लोग कल यात्रा में रहेंगे। जी जी। तो इस पे शंकराचार्य लोगों का भी कुछ आया है विचार, क्या उसके विषय में भी आप जानकारी या कुछ कहना चाहेंगे? उसके विषय में केवल देखिए, हम एक लाइन कहेंगे, शंकराचार्य एक अलग व्यवस्था है, उसके बारे में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए ऊपर के और भी बहुत लोग पड़े हैं, बड़े हैं छोटे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। शंकराचार्य के बारे में हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है और ना हम बोल सकते हैं। हमें बस एक चीज का अधिकार है कि हमारे प्रभु का मंदिर स्थापित हो गया, हमारे प्रभु रामलला जो है गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं। कैसे स्थापित हुए, कब स्थापित हुए, किन कारणों से, ये मतलब नहीं है यहाँ पर, विषय बस एक है कि उनकी स्थापना होने जा रही है, यही जो हमारी सबसे बड़ी कामना की सिद्धि है। जी जी। महंत हैं, मैं इनसे भी विनय त्रिपाठी जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, आपका क्या सहयोग है यहाँ पे?
यहाँ हमारा ही सहयोग नहीं है, हमारे पूरे जनपद वासियों का सहयोग है इस कार्यक्रम में, सभी लोगों का सहयोग मिला है। विशेष रूप से चौकिया धाम का पूर्ण रूप से पूरा सहयोग है। यहाँ 51 कुंडली यज्ञ और 1.5 करोड़ पार्श्व शिवलिंग का जो है रोज रुद्राभिषेक हो रहा है यहाँ पे। रेगुलर कम से कम 17-18 लाख शिवलिंग रोज बनाए जाएंगे यहाँ पे, रोज उनका रुद्राभिषेक होगा। और ये कार्यक्रम जो है जौनपुर से, जौनपुर में बहुत से कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन ये जो रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं कल, उनके उपलक्ष में ये कार्यक्रम रखा गया है, तो ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इस कार्यक्रम को। बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम ये होगा और हम जनपद वासियों से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में यहाँ आके अपने जीवन को कृतार्थ करें, शुक्राण कथा को सुने। 22 जनवरी जैसे कि काफ़ी दिन से इंतजार था, 22 जनवरी को हमारे भगवान राम अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तो उसके विषय में आपको क्या खुशी है, क्या व्यक्त करना चाहते हैं अपने विचार से? हम लोगों को बहुत खुशी है, ये तो लगभग बचपन से ही जब से सुनने और जानने समझने लायक थे तब से यही इच्छा थी हम लोगों की कि रामलला विराजमान तो है ही हैं, लेकिन अब पूर्ण रूप से स्थापित होने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है। उस खुशी को व्यतीत नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा खुशी है। लगातार यहाँ पे कुछ दिनों का कार्यक्रम चल रहा है जी, तो कितने दिन का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद भी कुछ कार्यक्रम होगा? ये देखिए यहाँ पे तो कल कलश यात्रा है और 23 से 29 जनवरी तक कार्यक्रम चलना है, इसके बाद कार्यक्रम रुकेगा नहीं। इसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रयागराज का जी, इसके बाद हम लोग प्रयागराज में करेंगे, वहाँ भी ऐसा ही भव्य कार्यक्रम आप करेंगे, इससे भी ज़्यादा भव्य होगा जी। वहाँ पे कितना विचार है क्या करवाने का? वहाँ पे अभी हम लोग जो विचार बना रहे हैं, अभी तो ज़्यादा उस पर कुछ नहीं कह सकते, अभी इस आयोजन को संपन्न कर लें जी, तो उसके बाद आपको उसके बारे में भी बता दिया। लगातार ये चलता रहेगा कार्यक्रम? चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।